इंदौर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव हुए। यहां सुबह से उत्साह के साथ मतदाता वोटिंग करने पहुंचे। निर्वाचन अधिकारी मनोज द्विवेदी ने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव निर्विघ्न हो रहे हैं, जिसमें युवाओं का उत्साह अधिक देखा जा रहा है। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए सुबह करीब 11 बजे से मतदान हुआ। युवा मतदाताओं में चुनाव को लेकर भारी उत्साह दिखाई दिया। चुनाव अधिकारी ने कहा कि वोटिंग निर्विघ्न हुई। हाईकोर्ट परिसर में हो रहे मतदान में इस बार एक नवाचार किया गया है, जिसमें जो भी मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं, उन्हें हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के तहत एक पौधा भेंट किया जा रहा है, जिसे मतदाता खुशी खुशी घर ले जा रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए कुल 1697 मतदाता हैं। वहीं गुरुवार को हो रहे मतदान भी उत्साह के साथ अधिवक्तागण मतदान कर रहे हैं। बताना चाहेंगे कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कई पदों के लिए प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर के जो निर्वाचन कार्यक्रम चल रहा है, इस वक्त सुबह 11 बजे से मतदान चल रहा है और खासतौर पर जो युवा मतदाता है उन्हें भारी उत्साह है और बड़ी तादाद में हमारे जाति लोग वोट डालने आ रहे हैं और निर्विघ्न में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। एक हमने नया इसमें नवाचार किया है कि जो भी लोग वोट डालने आ रहे हैं उनको एक हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के तहत हम एक पौधा भेंट कर रहे हैं और वो बड़ी खुशी खुशी अपना पौधा भी ले जा रहे हैं ताकि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे प्रदेश में हो सके। इस भाव को हम आगे ले रहे हैं। कुल 1697 मतदाता है और मुझे लगता है कि 60% करीब वोटिंग हो गया है और 1200-1300 के लगभग वोट डालने की संभावना।